ये जो क्षेत्र आप देख सकते हैं ये लाल सागर है, ये गल्फ ऑफ अकबा है, ये आपको स्वेज नहर ऊपर चली जाती है भूमध्य सागर से। ये जो बीच का क्षेत्र है इसे कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का भाग है, मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में आता है, और ये जो आपको है सिनाई प्रायद्वीप ये एशिया महाद्वीप में आते हैं। अब 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला हुआ था, उसके बाद 13 अक्टूबर को एक डॉक्यूमेंट लीक होती है। डॉक्यूमेंट जो लीक होती है उसमें ये कहा गया है कि इधर जो गजा के लोग हैं या जो पैलेस्टीनियन हैं इनको ये वाला जो सिनाई प्रायद्वीप है इसमें विस्थापित किया जाएगा, यहाँ पे टेंट सेटलमेंट लगेंगे इस वाले इलाके में। ये जो त्रिभुज साइज का आप जो देख रहे हैं, जो गल्फ ऑफ अकबा, इधर स्वेज नगर, इधर आपको भूमध्य सागर, तो इस वाले में टेंट सेटलमेंट होगा, उनको रखा जाएगा। बीच में कई बफर जोन होंगे जो खाली क्षेत्र होंगे ताकि वापस ये इधर रफा क्रॉसिंग से गजा की तरफ ना पाए, तो यहाँ पे टेंट सेटलमेंट लगाया जाएगा उनको, यहाँ पे परमानेंट एज ए इस वाले जो क्षेत्र है सिनाई प्रायद्वीप है। ये अब आने वाले समय में कहा जा रहा है कि जो फिलिस्तीनी है उनका अपना एक देश बन सकता है, तो फिलिस्तीनियों का अब एक देश ये वाला क्षेत्र में सिनाई प्रायद्वीप जो लगभग 23,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये है, तो यहाँ पर ये हो सकता है। इसके पीछे यूएस इसराइल तो है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं मिस्र की भी इस मामले में सहमति है कि एक क्षेत्र होना चाहिए। अब एक ज़मीन पे नहीं बन रहा है तो एक अलग सा क्षेत्र जहाँ पे आप आराम से रह सकें, अब बीच में बफर क्षेत्र भी होगा ताकि एक निश्चित दूरियाँ दोनों के बीच बनी रहे। अब इसमें जो है कहीं ना कहीं यूएस के नेतृत्व में दुनिया के जितने भी कंट्री हैं, राष्ट्राध्यक्ष है, उसको इस बात के लिए मनाया जाएगा तो शायद कुछ शांति के हल निकले।